एक उपाय है जिसको करने मात्र से ही जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ये वर्ष भर में केवल एक ही दिन आता है और उस दिन अगर ये उपाय हमने कर लिया तो रिद्धि सिद्धि की कमी जीवन में कभी नहीं आएगी। अब करना क्या है आपको? भरनी भादव मास में कृष्ण पक्ष जो होय तामे उपाय ये कीजिए जानत नाहीं कोई। चार कलश जल के भरे चलो जाए वन माई धरिए कातर आइए दूजे दिन फिर जाई। रीतो होई सो लाइए अनदन ताहीं समाई। अब इसका भावार्थ क्या है कि वर्ष भर में एक बार भरणी नक्षत्र भाद्रपद मास में जब आता है, भरणी नक्षत्र तो हर 28वें दिन आता है, लेकिन वर्ष भर में एक ही बार ये उपाय करने से भाद्रपद का महीना हो, भरणी नक्षत्र हो, उस दिन चार कलश जल के भरकर सीधा जंगल में चले जाए और जंगल में जाकर उनको चुपचाप रख करके आ जाए। ऊपर से आपको उसको ढकना नहीं है, खुला छोड़ करके आ जाए और फिर दूसरे दिन जा करके और उन चार कलशों में से एक कलश का जल कम हो जाएगा। उस कम जल वाले कलश का करना क्या है आपको? उसको हाथ में उठा करके जल को आप वहीं छिड़का दीजिए और उसको अपने घर पर लाकर उस पर स्वास्तिक बनाएं, मौली बांधें और चावल और मूंग सुपारी कुछ पैसे आप उसमें रखें और रख करके उसको अलमारी में रख दीजिए। तो उससे क्या होगा? क्रय विक्रय में लाभ गनेरो, यानी अगर आप दुकान में रखते हैं तो आपका जो सामान है जल्दी ही विक्रय होगा, आपका रुका हुआ पैसा आएगा और रिद्धि सिद्धि बढ़ाने का अचूक उपाय है ये। आप उसमें पैसे रखें और निकालते जाएं, कभी भी वह कलश अपने आप खाली नहीं होगा। मान लीजिए, कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपने उसमें पैसे डाल दिए और पैसे निकाल करके आप 1000 रुपये ले गए तो आपका कार्य 1000 रुपये की बजाय 800 रुपये में हो जाएगा और 200 रुपये फिर बच जाएंगे। तो इसमें आपका अच्छा लाभ हुआ, यानी रिद्धि सिद्धि आपकी यथावत बनी रहेगी। ये उपाय करें और अच्छा लाभ होगा। जय सियाराम।